नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मैं विकास दुबे था कानपुर वाला। जी हां, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। ये आपने आवाज सुनी होगी, लेकिन अब ये हैं विकास दुबे कानपुर वाले। कहते हैं कि हर गुनाह का हिसाब एक ना एक दिन जरूर होता है। अपराधी भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका जुर्म उसके अंत की कहानी भी जरूर लिख देता है। कानपुर के विकास दुबे के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे महाकाल की शरण में पहुंचा था ताकि वो काल से बच सके, लेकिन कानपुर में ही काल उसका इंतजार कर रहा था। कल सुबह विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया और यह एनकाउंटर यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था, क्योंकि यूपी पुलिस ने सिर्फ 900 सेकंड में सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया है। कानपुर वाला विकास दुबे आठ पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे अब इतिहास बन चुका है। कानपुर की जिस धरती पर उसने अपने जुर्म की कहानियां लिखी थी, उसी कानपुर की धरती पर उसके जुर्म का पूरा हिसाब हो गया। दो जुलाई को 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करने वाले विकास दुबे को 200 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके लिए आपको 900 सेकंड का दृश्यम समझना होगा। विकास दुबे को एसटीएफ की टीम लेकर सुबह 6 बजे कानपुर की सीमा में दाखिल हुई। यहां से गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा और कानपुर के बर्रा थाने की सीमा में पहुंचा। यहां हाईवे पर पुलिस का एक कड़ा पहरा था। यहां पर सिर्फ एसटीएफ और यूपी पुलिस की गाड़ियों को आगे जाने दिया गया और बाकी गाड़ियों को रोक दिया गया। कई ऐसे गुर्गे हैं जो कि विकास दुबे के अभी भी फरार है, उनको पकड़ने के लिए इस तरह के ब्लॉकेज किए गए हैं। और साथ ही ये भी बताया जाए, कई ऐसे संदेह के घेरे में लोग हैं जो कि इस हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये ब्लॉकेज किया गया है और लगातार चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इस चेकिंग पॉइंट पर जब पुलिस से मीडिया कर्मी आगे जाने की बहस कर रहे थे, तब घड़ी की सुई में सुबह के 7 बज रहे थे। यूपी पुलिस ने बताया कि भौती इलाके में यूपी एसटीएफ के काफिले की वो कार पलट गई जिसमें कुछ पुलिस वालों के साथ गैंगस्टर विकास दुबे भी था। इस वक्त घड़ी में 7:05 बज रहे थे। विकास दुबे मौके की तलाश में था और गाड़ी का पलटना विकास दुबे के लिए वही मौका था। विकास दुबे ने सबसे पहले तो गाड़ी में मौजूद घायल पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश की और उसकी आखिरी कोशिश थी फिर फरार होने की। भागने के दौरान विकास दुबे ने पुलिस वालों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पहले तो यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे को चेतावनी दी और जब विकास दुबे नहीं माना तो उस पर यूपी एसटीएफ ने फायरिंग कर दी। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी और उस वक्त खड़ी की सुइयां सुबह के 7:15 बजा रही थी। कानपुर के बर्रा थाने में यूपी पुलिस का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो सबसे कम समय में अंजाम दिया गया। गाड़ी पलटने से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक यूपी एसटीएफ को सिर्फ 900 सेकंड ही मिले थे। इन 900 सेकंड्स में ही यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे को मार गिराया। इसको जैन से लाया जा रहा था। सुबह के टाइम में सचंडी थाना क्षेत्र है कानपुर नगर का, वहां पर जिस गाड़ी में ये अपराधी बैठा था वो गाड़ी पलटती है, एक्सीडेंट होता है उसका, उसके उपरांत ये वहाँ इंस्पेक्टर कानपुर नगर के जो साथ में गए थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास करता है। पुलिस वाले पीछा करते हैं, गोली चलाता है, जवाबी गोलीबारी में ये मारा जाता है। विकास दुबे एक दिन पहले तक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी अपराधी था, लेकिन अब इसके अपराधों की कहानी इतिहास बन चुकी है। कानपुर से अमित प्रकाश लोमश झा के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। आखिरकार जुर्म की दुनिया में खुद को बेताज बादशाह समझने वाला यूपी के डॉन विकास दुबे का खेल
खत्म हो गया, लेकिन आखिरी वक्त तक उसकी हेकड़ी कम नहीं हुई। खाकी को खदेड़ने वाला गैंगस्टर विकास दुबे सामने खड़ी मौत को देखकर भी दबंग गई और रंगबाजी दिखाने से बाज नहीं आया। लेकिन इस बार उसका नहीं बल्कि यूपी पुलिस वालों का टाइम था। आठ शहीद पुलिस वालों को मिला इंसाफ। अंजाम तक पहुंचा विकास कानपुर वाला। कानपुर के डॉन के गुनाहों का पक्का हिसाब। खाकी को खदेड़ने वाले पर भारी पड़ी दबंग गई। बिकरू के विकास दुबे का खेल हुआ खल्लास। यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन और गैंगस्टर विकास दुबे, जो कल तक खुद को यूपी का सबसे बड़ा दबंग समझता था, जिसने खाकी को पैरों तले रौंदने की गुस्ताखी की थी, जिसने न जाने कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया था, वो अब नरकलोक पहुंच चुका है। जो पुलिस के शिकंजे में आने के बाद भी दहाड़ मार मार कर खुद को विकास दुबे कानपुर वाला बता रहा था, उसका पक्का हिसाब हो चुका है। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड और टॉप हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गुनाहों की किताब का हर पन्ना खून से रंगा हुआ है। हिम्मत तो देखिए विकास दुबे की, जिसने न सिर्फ खाकी से पंगा लिया बल्कि योगी के सिंघम पुलिस वालों को चुनौती देने की बड़ी भूल भी कर दी। कानपुर में 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों का सीना गोलियों से छलनी करने वाले गैंग्स ऑफ बिकरू का पूरी तरह दे एंड हो चुका है। उज्जैन से कानपुर लाए गए विकास दुबे ने अपने गुनाहों की माफी मांगने की बजाय फिर से वही गलती दोहरा दी जो उसने कानपुर शूटआउट के वक्त की थी, लेकिन इस बार उसका टाइम खराब था। विकास को आज सुबह कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही पुलिस की गाड़ी रास्ते में पलट गई, जिसमें विकास दुबे भी बैठा था। हादसे के बाद मौका देखकर घायल विकास दुबे ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिरी वक्त में सामने अपना काल देखकर भी विकास दुबे की अकड़ और दबंगई कम नहीं हुई और उसने पुलिस की लाइसेंसी पिस्टल छीन कर पुलिस कर्मियों पर गोली चला दी, लेकिन एसटीएफ के कमांडो ने उसे ढेर कर दिया और इस तरह खाकी को छलनी करने का बदला पूरा हुआ। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया। ठीक ऐसा ही उज्जैन में भी देखने को मिला था, जब गुरुवार की सुबह विकास दुबे की महाकाल के दरबार में गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त भी विकास दुबे अपने गुरूर में चूर था। उसने रंगबाजी दिखाई, मीडिया के कैमरे पर चिल्ला चिल्ला कर अपना नाम बताने लगा कि वो ही विकास दुबे कानपुर वाला। कानपुर में अपराध के विकास का अब अंत हो चुका है, लेकिन योगी के लिए ये स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितने बाहुबली और गैंगस्टर हुए उनमें से किसी ने पुलिस को नहीं छेड़ा था। वो पुलिस जिसके कंधों के ऊपर हमारी और आपकी सेवा, सुरक्षा और कानून को कायम रखने की अहम जिम्मेदारी होती है। लेकिन कानपुर के विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए खाकी को ही लहू से रंग डाला। किसी भी अपराधी की सजा अदालत मुकर्रर करती, पुलिस ने भी कानून को ही सबसे ऊपर रखा, लेकिन विकास अपने पापों का पश्चाताप करने की बजाय पुलिस के चंगुल से बचकर भागना चाहता था। एसटीएफ ने आखिरी वक्त तक विकास दुबे को हथियार डालकर सरेंडर करने को कहा, लेकिन विकास तो कानपुर वाला विकास ठहरा,
वो भला कैसे खाकी के आगे सरेंडर करता। उसकी जिद और ठसक उसका काल साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विकास दुबे 3 साल तक अपराध की दुनिया में यूं ही नहीं बढ़ता चला गया, उसको बढ़ाने में राजनीति ने बड़ी भूमिका निभाई। कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन विकास दुबे का दबदबा कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ता ही चला गया। राजनीतिक संरक्षण के कारण ही विकास दुबे में खाकी वर्दी का डर मिट गया था। उसके एनकाउंटर के साथ ही अपराधियों में खौफ फिर से शुरू हो गया है। विकास दुबे सिर्फ एक हिस्ट्री शीटर नहीं था, बल्कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की गठजोड़ का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया था। उस टाइम में वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में। इस टाइम इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। सरकारें बदलती रही, विकास दुबे बढ़ता रहा। वर्ष 1990 से विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और 6 साल में ही वो समझ गया था कि आगे बढ़ना है तो राजनीति की शरण में जाना ही होगा। वर्ष 1996 में बीएसपी नेता हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आया था। इसी साल वो बीएसपी में शामिल हो गया। हरिकृष्ण श्रीवास्तव को चुनाव जितवाने में उसने काफी मदद की थी। वर्ष 2001 में विकास दुबे ने दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी। 6 महीने बाद जब उसने सरेंडर किया तब राज्य में बीएसपी की सरकार थी। उस केस में थाने के सभी गवाह मुकर गए। यहीं से विकास दुबे का अपराध और राजनीति दोनों में कद बढ़ता चला गया। कानपुर की बिठूर, कल्याणपुर, बिल्हौर जैसी विधानसभा में ब्राह्मण राजनीति का चेहरा बन गया था विकास दुबे। पिछले 20 वर्षों से कानपुर के घिमाऊ जिला पंचायत क्षेत्र में इसके परिवार से कोई न कोई जिला पंचायत सदस्य रहा है। विकास दुबे भी जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। मौजूदा समय में उसकी पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत की सदस्य है। पिछले कई सालों से गांव के प्रधान पद पर विकास दुबे के परिवार का ही कब्जा रहा है। विकास दुबे के भाई की पत्नी ही ग्राम प्रधान है। ब्राह्मण वोट बैंक की लालच में राजनीतिक दल विकास दुबे को अपनी कठपुतली समझते थे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि विकास राजनीतिक दलों को अपने इशारों पर चलाता था। चौबेपुर के बिकरू गाँव में पुलिस, अपराधी और राजनीति के बीच एक बड़ा गठजोड़ था और वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। विकास दुबे पुलिस को अपने इशारों पर नचाने का आदी हो चुका था। चौबेपुर थाने की पुलिस उसके इशारों पर चलती थी और यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि इस गांव के लिए जो विकास परियोजनाओं का पैसा आता था उसको विकास दुबे एंड कंपनी, विकास दुबे और उसके गुंडे एक साथ मिलकर खाते थे। पिछले दिनों विकास दुबे का 2017 का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो पुलिस से पूछताछ के दौरान का था। वीडियो में विकास दुबे ने बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सांगा का भी नाम लिया था। अपने लोकल लीडर्स और उनसे है, जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं। विकास दुबे से कनेक्शन के आरोपों को विधायक भगवती प्रसाद ने खारिज कर दिया है, लेकिन विकास दुबे ने 30 सालों तक सिस्टम को अपने मुताबिक ढाल दिया था। विकास दुबे के 30 साल के आपराधिक इतिहास में 11 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन विकास पर एक्शन के बजाय उसकी ताकत बढ़ती चली गई। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दिखी। इस नीति का ही नतीजा है कि 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला विकास दुबे 8 दिन के अंदर उसी शहर में मारा गया जहां पर उसने अपराध की दुनिया बसा रखी थी। अमित प्रकाश के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। अपराध के विकास का अंत हो गया विकास दुबे, ये नाम यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। 15 साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला विकास दुबे की असल जिंदगी की कहानी बड़ी फिल्मी है। खुद को पढ़ा लिखा स्कॉलर बताने वाला विकास दुबे के विकास पंडित बनने की कहानी उतनी ही खौफनाक है कि जितनी कि उसके गुनाहों की
लंबी फेरिस्त। खाकी का खून करने वाला विकास दुबे। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। विकास दुबे के इरादे खौफनाक थे। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। फिल्मों का शौकीन कैसे बना अपराधी? जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जलसी होने लगी। 15 साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले विकास दुबे की असल जिंदगी की कहानी बड़ी फिल्मी है। खुद को पढ़ा लिखा स्कॉलर बताने वाले विकास दुबे के विकास पंडित बनने की कहानी उतनी ही खौफनाक है जितनी की उसके गुनाहों की फहरिस्त। कानपुर देहात में खादी वर्दी को खून से रंग देने वाला यही वो विकास दुबे है जिसने पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस पार्टी पर भी हमला करने से जो जरा भी ना हिचकिचाए वो कितना बड़ा अपराधी है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विकास दुबे के आपराधिक कारनामों का इतना लंबा इतिहास रहा है कि यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में कुख्यात हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज हो गया। विकास दुबे ने ऐसा आपराधिक साम्राज्य बना रखा था कि पुलिस की कार्रवाई का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। उसकी गिरफ्तारी तो होती थी, उसे जेल भी भेजा जाता था, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसने हत्या की साजिशें रची और अपराध की दुनिया में उसका विकास होता रहा। साल 1996 में विकास दुबे चौबेपुर विधानसभा से दबंग विधायक हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आया। यहीं से विकास को पहला राजनीतिक संरक्षण मिला। विकास ने विधायक के लिए काम करना शुरू कर दिया। विधायक के जो काम कोई नहीं कर पाता था उसे विकास पंडित चुटकियों में कर देता था। राजनीति में लाने का श्रेय मैंने ग्रेजुएशन मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जलसी होने लगी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने खुद का एक बड़ा गैंग बना लिया था जिसके जरिए वो अपराध की वारदातों को अंजाम देता था। उसके अपराध की गिनती इतनी है कि उसके खिलाफ 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में दबदबा रखने वाले विकास की कई राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ है। सियासत और क्राइम का गठजोड़ कर उसने जमीनों पर अवैध कब्जा किया और अकूत संपत्ति भी बना ली। विकास दुबे गांव का प्रधान भी रहा और साथ ही जिला पंचायत का सदस्य भी रहा। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए ही उसने नगर पंचायत का चुनाव भी जीत लिया था। देखते ही देखते कानपुर और आसपास के इलाकों में विकास दुबे का खौफ बढ़ता चला गया और साल 2001 में शिवली थाने में दर्जा प्राप्त तत्कालीन मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने के बाद वो मोस्ट वांटेड विकास पंडित बन गया। बस यहीं से जुर्म की दुनिया में लोग उसे विकास पंडित के नाम से बुलाने लगे। चौबेपुर थाने के निलंबित SHO विनय तिवारी और चौकी इंचार्ज समेत कांस्टेबल भी विकास दुबे को पंडित कहकर बुलाते थे। इसके साथ ही जब उसे किसी से रंगदारी वसूलनी होती थी तो वो फोन पर सिर्फ पंडित बोलता था, कहता था पंडित बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ मौजूद शख्स समझ जाता था कि रंगदारी के लिए फोन आया है। इसके बाद उसके गुर्गे रंगदारी वसूलने जाते थे। लेकिन अब विकास पंडित का खेल खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।